अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ क्रिस्पी चिकन फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए टाइम तो ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन आपके ना चिकन इतने क्रिस्पी बनेंगे कि आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ये बहुत पसंद आने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ मसाले ले लिए हैं, जिसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है और उसके अलावा मैंने रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल किया है, गरम मसाला है, ब्लैक पेपर पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है, जीरे का पाउडर लिया है, नमक लिया है, चाट मसाला लिया है, फ्रेश लेमन जूस लिया है 1 टेबल स्पून के करीब, और 1 टेबल स्पून ही मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ले लिया है। तो ये मसाले हमें इस रेसिपी के लिए लगेंगे। तो हम आगे रेसिपी हमारी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन लिया है 1/2 kg, और इस तरह से चिकन में मैंने कट्स लगा दिए हैं ताकि हमारे मसाले अच्छे से चिकन के अंदर चले जाएँगे। तो और इस चिकन में हम अब ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और फ्रेश लेमन जूस हम ऐड कर देंगे, और जितने भी मसाले थे हम वो सब ऐड कर देंगे इसमें, और इन्हें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैंने चिकन को 1 घंटे के लिए नमक और विनेगर के पानी में भिगो के रख दिया था, तो इससे हमारे चिकन बहुत अच्छे सॉफ्ट भी बनते हैं और हमारे चिकन अच्छे से तरह से क्लीन भी हो जाता है इस तरह से प्रोसेस करने से। तो यहाँ पर हमारे चिकन में अच्छे से मसाला कोट हो गया है, तो अभी हम इसको रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप कम आधे घंटे के लिए भी रख सकते हो, लेकिन 3 से 4 घंटे के लिए आप इस तरह से रख दोगे तो आपका चिकन बहुत अच्छा बनेगा। और देखिए यहाँ पे 4 घंटे के बाद मैंने इसे निकाल लिया है फ्रिज से। तो अब इसमें हम 1 अंडा ऐड करेंगे, और साथ ही में हम इसमें 1 टेबल स्पून मैदा यूज़ करेंगे, और 1 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, और इनको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अगर आपको ऐसे लगे कि मसाला बहुत ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो या दही भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा मसाला चिकन रेडी। तो अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया था गरम करने के लिए। आपको इसे एकदम हॉट ऑयल में ही फ्राई करना है, वरना आपकी कोटिंग उतर जाएगी। तो पहले जो आपका तेल है वो बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए, आप देख सकते हो गरम गरम ऑयल में ही आपको डालना है, और 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे। इसी तरह से हमारा चिकन फ्राई होगा। फिर 1.5 मिनट के बाद, 1 से 1.5 मिनट हो जाए, 2 मिनट हो जाए, फिर हमारे चिकन को हम दोनों साइड से कुक करेंगे। तो ये देखिए जिस तरह से मैं करते जा रही हूँ, चिकन को एक साइड से अच्छे से कलर आने के बाद दूसरी साइड मैंने चेंज कर लिए, और अब इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे चिकन को कुक करेंगे, क्योंकि हमें चिकन को थोड़ा पकाना भी है। तो ये मीडियम फ्लेम पर ये चिकन कुक होगा। तो हम इस तरह से इसे अच्छी तरह से कुक भी कर लेंगे, और दोनों तरफ से अच्छा कलर आ जाए तो हम इसे निकाल देंगे। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। और बाकी के चिकन को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, और जब हमारा चिकन रेडी हो जाए तो हम बाकी के भी चिकन को बाहर निकाल देंगे। देखिए हमारा क्रिस्पी चिकन रेडी हो गया है, और माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। इसका कलर भी आप देख सकते हो, इसमें मैंने रेड वाली कश्मीरी लाल मिर्ची का इस्तेमाल किया है, कलर नहीं यूज़ किया है। इसे मैं अभी तोड़ के बताती हूँ। काफ़ी गर्म है चिकन, आप देख सकते हो, तो कितने आसानी से टूट गया है चिकन। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके मुझे बताना रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिना मत जाइएगा।